नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है मेरा नाम अविनाश है नितीश राणा ऋषभ पंत के बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों क्रिकेटर हैं नीतीश राणा का भी हाल ही में श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया में सिलेक्शन भी हुआ है पहली बार टीम इंडिया की नीली जर्सी भी नीतीश राणा पहनेंगे और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए नीतीश राणा खेलते हैं हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है नितीश राणा ने इस इंटरव्यू में नितीश राणा ने ऋषभ पंत के बारे में कई बड़े खुलासे किए इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान नितीश राणा ने बताया कि कितना ज़्यादा एम एस धोनी को प्यार करते हैं ऋषभ पंत नितीश राणा ने कहा कि ऋषभ पंत एम एस धोनी को अपना आइडल मानते हैं अपना भगवान मानते हैं वे नहीं चाहते हैं कि एम एस धोनी से उनकी लोग तुलना करें एम एस धोनी को वो सुबह शाम हमेशा उनका चेहरा देखना पसंद करते हैं ये कहना है ऋषभ पंत का लेकिन नीतीश राणा ने ऋषभ पंत की एक राज का बड़ा खुलासा किया है नीतीश राणा ने बताया कि ऋषभ पंत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उसका कॉन्फिडेंस जी हाँ नीतीश राणा ने एक वाकया भी सुनाया कि जब ऋषभ पंत के बारे में लोग भला बुरा कह रहे थे आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे और सिडनी टेस्ट मैच में साल 2018 और 19 के दौरे में जब ऋषभ पंत ने सिडनी टेस्ट मैच में शतक लगाया तो ऋषभ पंत ने नीतीश राणा को फोन किया था और कहा था देखो मेरी एक पारी ने सबके मुंह बदल दिए सबके मुंह चुप करा दिए और लोग अब मेरे बारे में अच्छी बातें कहते हैं नीतीश राणा का कहना है कि ऋषभ पंत का कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहता है हमेशा ऊपर रहता है और इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल विकेट कीपर बल्लेबाज हाल के समय में बन गया है ऋषभ पंत बेहतरीन बल्लेबाजी भी कर रहे हैं और आगामी विश्व कप आगामी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऋषभ पंत से लोग बड़ी पारी की उम्मीद भी कर रहे हैं होप्सो कि ऋषभ पंत के बल्ले से रन निकले और जैसा कि नीतीश राणा ने ऋषभ पंत के बारे में बताया कि उनका आत्मविश्वास ही उनका सबसे बड़ा हथियार है होप्स हो कि ट्रेंड बोल्ट और टीम सऊदी के खिलाफ यह हथियार ऋषभ पंत के काम आए इस वीडियो में बस इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ